चाइना की परफॉर्मेंस कैसी रही, ट्रेड एनालिस्ट का चाइनीज ऑडियंस के बारे में क्या प्रोस्पेक्टिव है, इन सभी सवालों के जवाब आपको वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ बॉलीग्रेड स्टूडियोज पे। डायरेक्टर एस शंकर रोबोट फ्रेंचाइजी की थर्ड इंस्टॉलमेंट यानी कि रोबोट 3.0 के लिए काफी तैयारी कर रहे हैं। 2010 में रिलीज हुई रोबोट मूवी से इस फ्रेंचाइजी की शुरुआत हुई और 8 साल बाद रिलीज की गई इसकी सीक्वल मूवी रोबोट 2.0 2018 में, जिसमें मूवी के लीड कैरेक्टर चिट्टी और वसीकरण का रोल फिर से रजनीकांत ने निभाया। रोबोट फ्रेंचाइजी इंडिया की बेस्ट रोबोटिक जॉनरे की मूवी फ्रेंचाइजी रही है। रोबोट 2.0 की बात करें तो मूवी की ग्लोबल कलेक्शन थी लगभग 750 करोड़ रुपए, लेकिन दूसरी तरफ चाइना जैसी हाईली पॉपुलेटेड कंट्री में ये मूवी की ग्रॉसिंग थी सिर्फ और सिर्फ 22 करोड़ रुपए और चाइना में इसे एक फ्लॉप मूवी डिक्लेयर कर दिया गया था। सिर्फ रोबोट 2.0 नहीं बल्कि इंडिया की ऑल टाइम बेस्ट ग्रॉसिंग मूवी और ब्लॉकबस्टर मूवी बाहुबली 2 भी चाइना में एक फ्लॉप मूवी के तौर पर डिक्लेयर कर दी गई। दोनों ही मूवीज को चाइना में ग्रैंड ओपनिंग मिली, लेकिन उसके बावजूद भी इन दोनों की टोटल कलेक्शन कुछ खास नहीं रही। इंडिया की बात करें तो दोनों ही मूवीज की इनिशियल स्टार्ट बहुत ही ज्यादा शानदार थी, क्योंकि यहाँ की ऑडियंस में मूवीज को लेकर काफी क्यूरियोसिटी थी कि आखिर उनमें क्या होगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चाइनीज ऑडियंस कम्प्लीटली डिपेंडेंट थी मूवी के एक्चुअल स्टोरी लाइन पर, जिससे वो लोग कनेक्ट नहीं कर सके। ट्रेड एनालिस्ट अमोद मेहरा ने भी ये कहा था कि चाइना में ऑडियंस ज्यादातर फैमिली ड्रामा को प्रेफर करती है VFX फिल्म से ज्यादा। चाइनीज ऑडियंस सस्पेंस थ्रिलर्स और ड्रामा की तरफ ही मोस्टली अट्रैक्ट होती है, ना कि VFX मूवीज पर। आपके इस मूवी के बारे में और इसके कॉन्सेप्ट के बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए खत्म करते हैं ये सिलसिला कहने का कुछ अनकहा और सुनाने का कुछ अनसुना। इसी के साथ खत्म करते हैं आज की वीडियो को भी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर भी करें अपने दोस्तों को। आज के स्क्रिप्ट के राइटर है अभिषेक मिकी।